एक पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून बटर, उसमें डालेंगे 1/4 कप दूध और 1 कप मिल्क पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये बन गया मावा तैयार। इसमें डालेंगे 1/3 कप पिसी हुई चीनी, अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार ये चीनी की वजह से थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी का होगा तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है और फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। अब पैन में डाल रहे हैं 2 मैंगो का पल्प। इसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी, यानी 1 कप मैंगो पल्प में 1/3 कप चीनी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये ध्यान रखना है कि स्टिक ही रहना चाहिए, यानी थोड़ा सा चिपचिपाई होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा अगर हो जाएगा तो इसके लम्ब्स बन जाएंगे। तो मैंगो पल्प तैयार है, उसको हमने ठंडा होने के लिए रखा है। हाथ में अच्छे से घी लगाएंगे और बेलन पे भी, और जो मावा रोल है उसको इस तरह से बेलन से बेलेंगे। अच्छे से घी लगा लेना ताकि कुछ भी हाथ पे या किसी प्लास्टिक शीट पर जिस पर आप बेल रहे हैं वो चिपके नहीं। फिर हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और जो मैंगो पल्प है उसको भी घी लगा करके ही हाथ से हैंडल करेंगे ताकि हाथ में वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप बिना घी लगाए हाथ में लेंगे तो मैंगो पल्प हाथ में चिपक रहा है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए। अब इस तरह से रोल करके, और ऊपर मावे की लेयर है, अंदर इसमें मैंगो पल्प की लेयर है, इसको अच्छे से रोल करेंगे, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। दूसरा तरीका है जिसमें हमने हाथ में घी लगा करके थोड़े थोड़े से मैंगो पल्प से इस तरह से बॉल्स बनाई है, और ऐसे ही थोड़ा सा मिक्सचर हम मावे का लेंगे, उससे भी बॉल बना लेंगे। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और रोल कर लेंगे। तो देखिए एकदम अलग तरह के मावा और मैंगो के बहुत ही प्यारे लड्डू बन करके तैयार हुए, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब जो आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखा था रोल, वो बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से मार्बल लुक देंगे। पहले रोल करेंगे, फिर उसको इस तरह से लपेटेंगे अगेन, फिर उसको हाथ से बढ़ाएंगे और फिर उसको फिर से रोल कर लेंगे। तो आप देखते जाइए इस तरह से ये हमें मार्बल लुक इसका अचीव करना है। अब इसमें से भी छोटे छोटे से पीसेस कट करेंगे और रोल कर लेंगे। तो ये तैयार हो गए एकदम अलग तरह के बहुत ही टेस्टी मैंगो और मावा के कॉम्बिनेशन में लड्डू बन करके तैयार हो गए। तो 2 तरह से बना सकते हैं, ये देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।